आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अगत देव जी द्वारा शुरू करी गई गुरुमुखी लिपि और शिक्षा प्रणाली जीवनी सुनाएंगे। गुरु अगत साहिब जी ने विद्यालय शुरू किए और उस समय समाज के वंचितों और वंचितों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गुरुमुखी भाषा का विकास भी किया। गुरु अगत देव जी एक महान शिक्षक थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बच्चों को गुरुमुखी लिपि में पंजाबी सिखाई। उन्होंने आम लोगों को शिक्षा और संचार के साधन प्रदान किए जो अब अपने आर्थिक, शैक्षिकी या आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धार्मिक या राजनीतिक प्रतिष्ठान पर निर्भर नहीं थे। ये लोगों को जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने का उनका तरीका था। गुरु नानक के समय एक अपूर्ण पंजाबी वर्णमाला मौजूद थी, लेकिन गुरु अगत ने इसे संशोधित और परिष्कृत किया। चूंकि गुरु अगत ने संशोधित वर्णमाला को अपनाया था, इसलिए इसे गुरुमुखी कहा गया, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से बोला गया। गुरुमुखी लेखन का माध्यम बन गया जिसमें गुरुओं के भजन व्यक्त किए गए और ये लोगों की भाषा के अनुकूल भी था। हालांकि पंजाबी वर्णमाला की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि गुरु अगत ने 1541 के आसपास सिखों के बीच इस सरलीकृत गुरुमुखी लिपि के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। गुरुमुखी के आविष्कार ने शुरुआती सिख समुदाय को संस्कृत धार्मिक परंपरा से खुद को अलग करने में मदद की। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ब्राह्मणों, उच्च जातियों द्वारा किया जाता था और यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेदों की भाषा थी। निचली जातियों और अछूतों के लोगों को कोई भी आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने से रोक दिया गया था। इसने उच्च जातियों की श्रेष्ठता की स्थिति को बनाए रखा। गुरुमुखी ने सिखों को अपने स्वयं के निष्पक्ष आध्यात्मिक साहित्य को विकसित करने में सक्षम बनाया। इस नई लिपि का निर्माण कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसने इस भाषा को बोलने वाले लोगों को अपनी पहचान दी, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के अपने विचार व्यक्त कर सके। गुरु ने एक ऐसी लिपि की आवश्यकता भी देखी जो गुरुओं के भजनों को उसकी शुद्धता को बनाए रखते हुए ईमानदारी से पुनः प्रस्तुत कर सके और जो किसी भी पाठक द्वारा अपने उद्देश्य और पूर्वाग्रहों के अनुरूप गलत व्याख्या या गलत निर्माण को भी रोक सके। गुरु अगत साहिब के इस कदम से सिख धर्म के निर्बाध विकास और वृद्धि को सुरक्षित करने में मदद मिली। गुरु अगत ने 1544 में गुरु नानक की पहली अधिकृत जीवनी के लेखन की पहल की। साथ ही गुरु नानक के भजनों की कई प्रतियां नई गुरुमुखी लिपि में लिखवाई। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।